ग्लोबल ब्रेकिंग की, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट्स की राय भी हम आपको उन खबरों पर दिखाते हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, नॉर्थ कोरिया की आर्मी कर रही सैन्य अभ्यास। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने चलाया टैंक। नॉर्थ कोरिया की आर्मी कर रही सैन्य अभ्यास, अमेरिका साउथ कोरिया के बाद किम का अभ्यास। नॉर्थ कोरिया की आर्मी कर रही है सैन्य अभ्यास, बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने टैंक भी चलाया। नॉर्थ कोरिया की आर्मी कर रही है सैन्य अभ्यास, अमेरिका साउथ कोरिया के बाद किम का अभ्यास। अमेरिका साउथ कोरिया को खतरा मानता है नॉर्थ कोरिया। तो एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज उत्तर कोरिया ने की है। इससे पहले आपको बता दें, साउथ कोरिया और अमेरिका ने एक बड़ी एक्सरसाइज की थी और उसके बाद जो है युद्ध अभ्यास जो है वो नॉर्थ कोरिया ने किया है, जहां पर उसने अपनी टैंक और तोपों की ताकत को परखा है और इस एक्सरसाइज में किम जोंग उन शामिल हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान ने बनाया खतरनाक शाहपार 2 ड्रोन। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने बनाया खतरनाक शाहपार 2 ड्रोन। तुर्की के टीवी 2 ड्रोन से भी ज्यादा खतरनाक है, ये पाकिस्तान बोल रहा है। 11 देशों के सैन्य अधिकारियों को इसका ट्रायल दिखाया। ड्रोन बेचकर पैसा कमाना चाहता है कंगाल पाकिस्तान। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने बनाया खतरनाक शाहपार 2 ड्रोन। तुर्की के टीवी 2 ड्रोन से भी ज्यादा खतरनाक है, ये पाकिस्तान बोल रहा है। 11 देशों के सैन्य अधिकारियों को इसका ट्रायल दिखाया गया। लेकिन मकसद क्या था? मकसद ये था कि ड्रोन बेचकर पैसा कमाना है, क्योंकि जो ट्रायल देखने आए थे उनमें से ज्यादातर अफ्रीकन देशों के सैन्य अधिकारी थे। तो क्या है शाहपार 2 ड्रोन और एक्सपर्ट्स को लेकर क्या कुछ सोचते हैं आपको हम सुनाएंगे, लेकिन पहले इसकी खासियत ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। शाहपार 2 ड्रोन की खासियत क्या है? 120 किलो का पेलोड लगाया जा सकता है। अधिकतम वजन 850 किलोग्राम तक है इसका। 222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। लेकिन जो कमी, 14 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में यह सक्षम है। 20,000 फीट की ऊंचाई तक ये जा सकता है। शाहपार में लग सकती है बर्क 2 मिसाइल। हमने जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी से इस पर उनकी राय जानी कि भारत के लिहाज से और दुनिया के लिहाज से ये ड्रोन कहां पर स्टैंड करता है। सुनिए सर ने क्या कुछ कहा। पाकिस्तान ने शाहपार 2 कॉम्बैट ड्रोन का प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन सऊदी अरबिया और अजरबैजान जैसे देशों के सैनिक अधिकारियों के सामने किया है, ताकि पाकिस्तान अपनी कंगाली हालत को सुधारने के लिए इन देशों को इस ड्रोन को बेच सके। बताया गया है कि ये ड्रोन जो है ये टर्की के टीबी 2 और चाइना के CH-4 अनमैंड आर्म्ड व्हीकल यानी के UAV यानी के ड्रोन से भी कहीं ज़्यादा बेहतर है। अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। बताया गया कि शाहपार 2 ड्रोन 14 घंटे हवा में रह सकता है, लेकिन टीबी 2 ड्रोन टर्की का तो 27 घंटे हवा में रह सकता है। और इतना ही नहीं, जो शाहपार 2 कॉम्बैट ड्रोन है वो हवा में अगर अटैक रोल में है तो केवल 7 घंटे ही रह सकता है। अब कल्पना कीजिए कि हवा में रहने वाली ताकत कितनी कम हो गई। ऐसे ही बताया गया कि इसका रेंज 1000 किलोमीटर है। हाँ, लेकिन इसका जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन गैदर करने का रेंज है वो 300 ही किलोमीटर है, यानी कि 1/3। ये बात सच है कि आने वाले युद्धों में ड्रोन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, क्योंकि इसमें जान का नुकसान नहीं होता। लेकिन ये भी सच है कि टेक्नोलॉजी आज बिजली की रफ्तार से बदल रही है। जो आज है वो कल को रहेगा या नहीं रहेगा गारंटी नहीं है। ड्रोन्स के अगेंस्ट जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जिसे DEW बोलते हैं, यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या लेजर वेव्स,
अगर ये टेक्नोलॉजी जो बहुत तेजी से डेवलप हो रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, सीज फायर की खबरों के बीच IDF का हमास पर आरोप, हमास ने इजरायलियों को मारकर शव गजा में रखे। हमास के पास 99 लोग जिंदा और 32 के शव हैं, ये IDF ने आरोप लगाया है। अमेरिका इजराइल हमास में कराना चाहते हैं, अमेरिका जो है इजराइल हमास में कराना चाहता है सीज फायर, लेकिन ये बात बन नहीं पा रही है। सीज फायर की खबरों के बीच IDF का हमास पर आरोप, हमास ने इजराइलियों को मारकर शव गजा में रखे। हमास के पास 99 लोग अभी जिंदा हैं और 32 के शव हैं, ये IDF ने आरोप लगाया है। अमेरिका इजराइल और हमास में सीज फायर कराना चाहता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा का बहुत बड़ा बयान, मंगल पर जीवन बसाने की जगह धरती बचाएं। ओबामा बोले, मंगल ग्रह से ज्यादा रहने लायक है हमारी धरती। कई देश और प्राइवेट कंपनियां मंगल पर इंसान को भेजने की कर रही है तैयारी। बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा का बहुत बड़ा बयान, मंगल पर जीवन बसाने के लिए धरती बचाएं। मंगल पर जीवन बसाने की जगह धरती बचाएं, ये ओबामा ने कहा। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, जल्दी से मैं आपको बता दूं। कुछ लोग मंगल पर जीवन बसाने की बात करते हैं क्योंकि उनके मुताबिक पृथ्वी का पर्यावरण इतना खराब हो सकता है कि वो रहने लायक ही ना बचे। अगर पृथ्वी पर परमाणु जंग भी हो गई तो भी ये मंगल की तुलना में ज्यादा रहने लायक होगा। अगर हमने क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई कदम नहीं उठाया तब भी धरती पर ऑक्सीजन रहेगी, लेकिन मंगल ग्रह के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, ये बराक ओबामा की तरफ से कहा गया है। तो आज ग्लोबल ब्रेकिंग में मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।